विकसित भारत के संकल्प को लेकर चल रहे भारत को अब विकसित देशों से और ज्यादा कंपटीशन करना है। और हम मान के चले जैसे जैसे हम ताकतवर होंगे हमें कंपटीशन का एरिया हमारा अधिक ताकतवर लोगों से होने वाला है और इसको हमें स्वागत करना चाहिए, झिझकना नहीं चाहिए। जी आ जाओ, तैयार है। और इसलिए मुझे लगता है कि हमारी हर प्रोडक्ट, हमारे हर इनिशिएटिव, हमारी प्रोसेस बहुत ही कॉम्पिटिटिव भी होनी चाहिए। सर्विस सेक्टर हो, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर हो, ऑटोमोबाइल हो, इलेक्ट्रॉनिक्स हो, हमें हर सेक्टर में बड़े लक्ष्य बनाने हैं और उन्हें प्राप्त भी करना है। आज भारत में बने प्रोडक्ट्स को लेकर दुनिया का आकर्षण वो सिर्फ हमारी पीठ थपाने के लिए सीमित नहीं रहना चाहिए, हमने विश्व के बाजार को कब्जा करने की दिशा में सोचना चाहिए। दोस्तों, भारत के एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स हो, भारत के मोबाइल हो या फिर भारत की ब्रह्मोस मिसाइल, दुनिया में आज इनकी चर्चा है। कोरोना काल में भारत में बनी वैक्सीन और दवाइयों ने दुनिया के लाखों लोगों की जान बचाने में मदद की। आज सुबह मैं उज्बेकिस्तान से आया तो कल आखिरी में रात को मैं उज्बेकिस्तान के राष्ट्रपति जी से बात कर रहा था। देर हो चुकी थी लेकिन वो इतने उत्साह से बता रहे थे कि बोले हमारे यहाँ उज्बेकिस्तान में पहले योगा के प्रति एक प्रकार से नफरत का माहौल था लेकिन बोले आज स्थिति ऐसी है हर गली मोहल्ले में इतना योगा चल पड़ा है हमें भारत से ट्रेनर्स की जरूरत है।